बजट 2024 से अलग अलग सेक्टर्स की क्या डिमांड और एक्सपेक्टेशंस हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमईज की। तो इंडिया एसएमई फोरम की तरफ से 5,000 करोड़ के डेडिकेटेड फंड्स की उम्मीद की जा रही है, जिससे एसएमई स्पेस में एक्सपोर्ट कैपेसिटी, प्रमोशन और मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो बजट 2024 में टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ज्यादा अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। साथ ही बजट 2024 से उम्मीद की जा रही है कि इसमें नई टैक्स रिजीम में लाइफ इंश्योरेंस के तहत इनकम टैक्स में छूट दी जाए। इसके अलावा पावर सेक्टर की बात करें तो बजट 2024 से उम्मीद की जा रही है कि पावर सेक्टर को पॉलिसी सपोर्ट और टैक्स में छूट दी जाए। साथ ही पावर सेक्टर को जीएसटी रेट्स में छूट मिले और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए फंड्स भी उपलब्ध कराए जाए। वहीं अब अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस की बात करें तो इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICEA की डिमांड है कि इनपुट टैरिफ्स को कम किया जाना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भी बढ़त देखने को मिलेगी। इन सभी के अलावा इन्वेस्टर्स कम्युनिटी की तरफ से कैपिटल गेन्स को लेकर डिमांड की जा रही है। इन्वेस्टर कैपिटल गेन टैक्सेस में छूट चाहते हैं, जहां फिलहाल कैपिटल गेन टैक्स 10% से 30% तक होते हैं, जो होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करता है, जिसमें शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शामिल है। 2023 के डेटा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 से 24 के बीच में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से करीब 9,72,000 करोड़ रुपए टैक्स के जरिए कमाए थे। तो ये थे कुछ सेक्टर्स के डिमांड और एक्सपेक्टेशंस। आपकी बजट 2024 से क्या डिमांड है कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।